देखिए देख माहौल एक नंबर माहौल सिलेंडर चले भीतर से आए कुछ जानकारी देंगे क्या कुछ माहौल रहा। माहौल बढ़िया रहा बिल्कुल बेहतरीन एकदम। अच्छा फर्स्ट पर रखा था बिल्कुल। अच्छा स्टार्टिंग में फिर हमारी पूरी रेस फिर क्या हुआ लास्ट का चक्कर रहेगा भाई। अच्छा मतलब पहले चढ़ा दिया 20 किलोमीटर का तैयारी छोड़ रखी थी ना लॉकडाउन। अच्छा प्रॉपर तैयारी नहीं करी। अच्छा करीब एक महीना पहले स्टार्टिंग करी थी। अच्छा बढ़िया तैयारी नहीं हुई भाई। अच्छा 5 प्लस ही आया था। अच्छा चार सौ नहीं करी। अच्छा अच्छा ग्रुप में था भाई। अच्छा कौन से ग्रुप में थे छठे में और अधिकतर पहले ग्रुप राउंड बढ़िया है बेहतरीन जुगाड़ है सब एक नंबर जिसके गात में जान होगा तगड़े से रेस मार देगा। मजा आ रहा है। अच्छा थोड़ी तैयारी ढीली रही मैं लॉकडाउन में छोड़ दी थी भाई। अच्छा जो दोबारा 10वीं करे हुए हैं उनके लिए क्या कहने चाहोगे कुछ अच्छा तगड़े से भाई तगड़े से फंटा फेर रहे। हाँ बढ़िया। अच्छा और दोबारा 10वीं वाला बना भाई आर्मी ठीक भाई ठीक गाली उली दे रहे हैं बड़ी हुई पब्लिक है एक नंबर तगड़े से भड़क रहे हैं भाई गाली भी दे रहे हैं और छो में आ जाओ गुस्से में यार मुंह से गाड़ी तो निकले है जब कामयाब ना होते तो भाई कुछ रुबासू भी हैं बहुत ज्यादा रो रहे हैं यार जब मेहनत करके आया कर रहे हैं और भाई कामयाबी नहीं मिलती तो बहुत ज्यादा ठीक भाई कोई ना और बात कराते हैं आधार कार्ड में इनकी उम्र फालतू होगी एक बार बता झंडी तो 15 साल की लगता आ जा अब इसका झंडी आ रही फालतू आ रही क्या मतलब मतलब मेरी बहन की लड़ी सारी रात इतना बुरा हाल कुछ कर बोल लो यार ऐसा बर्ताव करा जा रहा कुछ आप मुझे बताए कि आर्मी के अधिकारियों का व्यवहार कैसा है। आर्मी के अधिकारियों का व्यवहार भाई ये दिल्ली का नहीं है ठीक है। आर्मी की इज्जत जितने भी आ रहे ना ये सब इतनी इज्जत करो आर्मी की आर्मी तो ज्यादा इज्जत ये किसी भगवान की और अपने माँ बाप की भी नहीं करते होंगे ठीक है। जितनी इनके दिलों में आर्मी की इज्जत थी लेकिन इसे देख कर कौन इज्जत कर लगा भाई आर्मी की उन्होंने पता है भी मेरे में भी भर्ती हुई है ये अरे सारी रात गाड़ी देंगे कोई गलती कर रहा है लड़का उसे समझा मैं तो कोई दिक्कत नहीं है यार माँ बहन की गाड़ी देने का क्या मतलब उनका माँ बहन नहीं है छोटे की तरह छेद रहे कुछ फायदा थोड़ा इन चीजों का व्यवस्था तो यार अपने आप देख लो भाई क्या भर्ती खत्म हो जाएगी 11 तारीख के बाद अपने आप देख लो यार एक बात बताओ अच्छा तुम छोटी सी बात लगाओ जिन बच्चों की या लड़कों की उम्र निकड़गी ठीक है ओवर एज हो गए वे फिर दोबारा 10वीं करके आगे आगे ठीक है वे क्या करेंगे यार वे आवेंगे निका भर्ती में उन्हें एक ही चीज बच रही और सी तो बच रही थी आर्मी तो बच रही थी इसमें उन्होंने मेहनत थी यही तो उन्हें कार्ड का फेंक रही ओवर एज हो गए क्या करेंगे भाई मैं बचा डॉक्यूमेंट में सकता ही आधार कार्ड चाहे किसी ने किसी के कागज सारे ओरिजिनल हो उसकी डैडी देखो ओवर देखो चल डैडी और ओवर देखो आप मुझे नहीं पता मेरा आखिरी सवाल है आपसे आर्मी की भर्ती पहले लंबे समय के लिए होती थी लेकिन अभी 4 साल के लिए है उसमें से भी वो 75% को सेवा मुक्त कर देंगे भाई एक बात बताओ पहले भर्ती होती लगभग 18 साल में पेंशन होता बंदा 18 साल में ठीक है उसमें आदमी अपनी पूरी सेवा देवा था फौज के लिए अब एक बात बताओ 4 साल में कौन तो सेवा दे देगा कि अगर किसी का बहन हो कोई अपनी बहन का ब्याह नहीं कर सकता 4 साल के पैसों में क्या कर लगा यार
जितना अब तक जवान हुए उनकी पढ़ाई पर खर्चा होया, भर्ती पर खर्चा होया ना 4 साल की पैसों में, वो भी पूरा नहीं होने का। कौन से पैसा दे रहे, कौन नाराजगी पूरी है, गुस्सा है भाई, पूरी भाई, पूरी झंडा पूरी नहीं पास हो रही है। नंबर दो ही नहीं है, नंबर दो क्या नाम टाइम बहुत कम दे रहे, नंबर दो ही नहीं है, नंबर दो की भर्ती सीओ ने पहले से पहले नुकाया सारा ग्रुप खा लो। अच्छा नहीं ऐसा बताओ यार फिर, क्योंकि उसमें क्या नाम की नंबर दो वाले कागज वाले आते हैं, उस दाड़ी वाले वो सबको जो नुकसान सबको हुआ जितने हाँ, हाँ, हाँ। भाई वो देखो कुल मिला के यहाँ तो भर्ती कर दी, कतई बंद करो, करवाओ ना ठीक है, इन्हें लोग आने पर नहीं करो ठीक है, या मेरे भाई और चाबी पर डर देखो तो कोई बारी सा डर देखो से बाहर कोई एक सप्ताह है, पूरी एक सप्ताह ना बोलो यार, यार मैं बताओ ये इलाका लंबे को बाहर को चल रहा है, एक सत्तर से ऊपर कितना दे रहे भाई, एक बहत्तर एक तिहत्तर में बता रहे ना, एक तिहत्तर में एक सत्तर दे रहे, अरे हम बैठ जाएगा पचहत्तर में बदला ली तो भाई तगड़े से बता रहे बालक कह रहे खित्तों की चक्रोटा मारी ऐसे जी, ग्राउंड की हालत हो रही यार भाई, सही है और लाइव दिखाते हैं भाई की समस्या, एक बैक हो गया, कुछ बताओ क्या क्या कुछ मैं जैसे अंदर मेरे भर्ती के लिए मतलब मेरा सेकंड ग्रुप था तो उसके लिए मेरे रनिंग के लिए तैयार किया गया, तो सभी ने बैग रखे हो इसी बात सब रखे जी भाई, तो रनिंग दौड़ने के बाद मैं जैसे आया जी तो सबको अलग बिठा लिया, मतलब जो सिलेक्ट हो गए वो तो अंदर लेके लेते हैं, बाकी सबको अलग कर लेते हैं, सिलेक्ट होने के बाद जब सब लगभग 5 ग्रुप हो गए तो सबको बाहर भेजते हैं बैग लेकर, जैसे एक ग्रुप को भेजे, जब सेकंड नंबर पर मेरा नंबर आया तो मैं गया वहाँ पे, जो मेरे बराबर में जिसका बैग था उसका तो था लेकिन मेरा बैग वहाँ पे नहीं था, तो मैंने साथी जो वहाँ पे खोजी थे उनसे कहा तो उन्होंने मेरे से कहा कि तुरंत बाहर जा तू गेट पे और वहाँ पे देख, वहाँ पे तेरे को शायद बैग मिल जाए, तो मैं तुरंत बाहर आया गेट पे मैं खड़ा रहा, जब सभी बच्चे आए मतलब तो वहाँ पे मतलब मेरा बैग नहीं मिला, फिर मैं वापस अंदर गया तो मुझे ज्यादा नहीं किया, फिर मैं बाहर ही खड़ा रहा तो मैंने कुछ मतलब सभी इंस्पेक्टर से हमारे जो उनसे मैंने बात की, उन्होंने मेरे से कहा कि मैं 2-12 बजे तक वेट करना पड़ेगा, तो मैं ठीक है वेट कर रहा भाई 12 बजे से अब तक, मतलब मेरे साथ मतलब क्या एक दूसरे में पहले कहा कि मुझे उस गेट पे जाना, उस गेट पे गया उस गेट पे जो लगभग 3 गेट है इसमें, मैं 3 पे लगभग अब तक चक्कर काट रहा, कोई मुझे सही वो नहीं कर रहा, कोई कोई जानकारी नहीं दे रहा ना ही कोई कोई जानकारी नहीं दे रहा, कोई कुछ नहीं दे रहा, अंदर बोलते कि 12 बजे के बाद चले। अच्छा उसमें बैग में आपका था क्या क्या? बैग में 10वीं बार की ओरिजिनल मार्कशीट है मेरी, मूल है, निवास है, मेरा फोन है OPPO F17 और मेरा आधार कार्ड है, पैन कार्ड है जी, और मेरा बैग नीले कलर का है, स्काई बैग लिखा हुआ है, इस पर ड्रिंक लिखा हुआ है और ब्लू कलर का है ना, व्हाइट व्हाइट से कार्ड से बने जी। और अपनी पहचान बताओ जो नंबर वंबर जिसपे गिरना है, जब मेरा जो नंबर है इस पे कर देते 8923239979। अब मेरा नाम गौरव कुमार है, गांव तालजी से, जिला मुजफ्फरनगर, बुढ़ाना रोड पे मेरा गांव पड़ता है जी। भाई बहुत बहुत धन्यवाद, अभी ये भाई मिले, इनका बैग उठ गया यार, जिसे एक बार इस वीडियो को शेयर कर दो तगड़े से यार, एकदम भाई की जो समस्या हल होनी चाहिए 5 मिनट के अंदर, ढंग से यार शेयर कर दो किसी की यार, लाइफ का सवाल है भाई, उसमें हाई स्कूल इंटर की मार्कशीट और फोन भी है यार, बात फोन की नहीं है लेकिन यार जो उसमें डॉक्यूमेंट्स हैं यार, भाई के जीवन का सवाल है, एक बार शेयर कर दो इस वीडियो को ढंग से।